फिर स्पेशल कॉन्सेप्ट में और क्या है सो ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू क्या हम लिए यहां पर साइन थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा। अब सबसे बड़ी बात जानिए, हम एक दिन क्लास आप लोग लेंगे ग्राफ का, किसका ग्राफ का। बच्चा को ग्राफ से डर लगता है, जब ग्राफ पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा ग्राफ नहीं है सर झुनझुना है ना, ग्राफ का मास्टर बन जाएंगे। अभी सभी देखिए आपके सामने सिखाते हैं, अभी हमने क्या लिखा बोलिए साइन, साइन का कोई पूछे ग्राफ बताइए, सारे बच्चा हाथ ऐसे करिए ऐसे, जैसे बोलने से लपेट लेना हाथ लिए से, बोलिए साइन के साथ क्या है यहाँ पर आप एक्स करो, क्या करो क्योंकि y एक्सिस और एक्सिस होता है, इधर y इधर क्या है x, ऐसे रखिए बोलिए साइन के साथ जो होगा, बोलिए साइन के साथ कौन है x, बोलिए साइन के साथ जो होगा उसको लपेट लेगा, बोलिए उसको लपेट लेगा, लपेटता वो कैसे है क्लियर, क्या करेगा उसको लपेट लेगा या ऐसे लपेटिए है ना, लपेट लेना है तो बताइए साइन के साथ कौन है, लीजिए ऐसे ले लिए, बोलिए साइन के साथ जो होगा उसको लपेट लेगा, साइन के साथ कौन है एक्स, तो एक्स एक्सिस को लपेट लिया, आई बात समझ में। देखिए ग्राफ का मास्टर बोल रहा हूं, तुरंत चुटकी में ग्राफ खींच लिए किसका साइन एक्स का, ओके। अब आप जानते हैं कि साइन जीरो कब होता है, जीरो पर, पाई पर, बोलिए टू पाई पर, थ्री पाई पर, यहां लेंगे जीरो, यहां 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 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, इधर कोई दिक्कत। अब आप देख क्या रहे हैं कि हाइट जो है इसका वन हो रहा है और इसका हाइट नीचे कितना हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा ये बड़ा मेरा हाथ वन, देखिए क्या है वन, और ये हाथ क्या हो गया वन माइनस वन के बीच में ही क्या करेगा लपेटेगा, तो ग्राफ का हाइट एक से बढ़ा नहीं, माइनस एक से नीचे गिरा नहीं, तो हम जाने यहां पर कि y मैक्स कितना वन, y मीन वेरी गुड, यानी इसी बात को लिख देते हैं यहां पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स इज वन और मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स इज कितना कोई दिक्कत, मैक्सिमम मान क्या हो गया वन, मिनिमम मान क्या हो गया, अभी हम साइन का ग्राफ खींच के दिखा है, इस टाइप से खींचेंगे तो कॉस का भी समझ जाइए कि मैक्सिमम वन होता है, मिनिमम क्या होता है माइनस वन होता है, नोट कीजिए। नोट, अब देखिए इस पर छोटा छोटा क्वेश्चन, ऐसा सब क्वेश्चन है ना जो क्वेश्चन है ही नहीं, लेकिन जब कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा तो आपको लगेगा इसको कैसे बनाए हम, तो देखिए ये चुटकी बना रहे हैं, आपसे क्वेश्चन कुछ पूछेगा कि sin x + cos x x = 3 find x, find x। अब बच्चा परेशान है सर इसको कैसे बनाएंगे, कुछ बच्चा नहीं हुआ तो कहेगा सर दोनों से स्क्वायर कर लेते हैं, वो कुछ कुछ कर लेगा, कुछ कुछ तो करना चाहता है कुछ करेगा, लेकिन जो मेरा बच्चा होगा टेक्निकल बच्चा होगा सृजी का बच्चा होगा वो कहेगा सर आपने पढ़ाया कि साइन का मैक्सिमम मान कॉस का मैक्सिमम मान, तो जब दोनों का मैक्सिमम इन्वेस्ट करने का 2 रुपया ही हो तो सर 3 रुपया कहां से लिया चोरी कर लिया, तो क्या कहेंगे आप वेरी गुड नॉट पॉसिबल, बस में आ गया। अब फिर देख लीजिए एक बार और, कभी इसी में क्वेश्चन पूछता है आपको स्टेप से, कहेगा साइन एक्स बराबर ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स फाइंड एक्स, फिर बच्चा डर गया भाई इसमें अब क्या कंसेप्ट है, ई टू दी पावर एक्स है ई टू दी पावर माइनस एक्स है, तो पहले बता दें ई पर पावर एक्स मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, क्या होता है और ये बात सेव कर लो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी निगेटिव नहीं होता है, क्या नहीं होता है, बोले क्यों, तो मान लीजिए हम आप पता चलेगा कि भाई मतलब थोड़ा सा कंगाली हो सकता है पैसे का, लेकिन कोई कहेगा जानते हो 200 रुपया का दिक्कत हो गया संतोष अंबानी को, विश्वास होगा,
बोलेगा पॉसिबल ही नहीं, जो करोड़ों कहां कहां हैवी में टर्न अप है वो 100-200 के लिए 500-1000 के लिए वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। वही चीज हो गया पावरफुल कौन एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपने आप इतना पॉजिटिव है तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन 12 में पढ़ाएंगे, जैसे लिख देगा 2 पर पावर एक्स इक्वल टू -4 फाइंड एक्स, तो बच्चा कहेगा तुरंत क्या कहेगा नो सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, 2 पर पावर एक्स इज द एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। अब इसी पर ध्यान दीजिएगा, अगर 2 पर पावर एक्स इक्वल टू 4 रहता तो आप ऐसे बनाते, 4 को लिखते 2 का स्क्वायर, बेस बराबर तो पावर बराबर एक्स इक्वल टू 2, समझ रहे हैं कि नहीं। ये सब टिपिकल क्वेश्चन है जिसमें कलम नहीं चलाना है, सिर्फ ब्रेन चलाना है ना। तो आइए चलिए इधर हम लोग कहां पर थे, साइन एक्स इज इक्वल टू ई पर पावर एक्स, ई पर पावर माइनस एक्स, तो यहां लिखेंगे साइन एक्स ई टू दी पावर एक्स, ई पर पावर माइनस एक्स को नीचे लाएंगे तो क्या होगा बोलिए, क्लियर। और इधर आपको हम एक सिखा रहे हैं नया कंसेप्ट, कंसेप्ट सीखिए मेरे साथ। यहां पर देखिए स्टार दे रहे हैं ट्रिपल, बोलिए कोई नंबर, आवाज आना चाहिए, कोई नंबर उसका रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 से बड़ा होगा और 2 के बराबर होगा, क्या होगा कब, जब पॉजिटिव होगा तब, नंबर क्या होगा ये पॉजिटिव होगा तब। अब जरा सुनिए भाई, कोई नंबर है उस नंबर का रेसिप्रोकल किससे बड़ा होगा, 2 से, याद ध्यान दीजिए। तो ये नंबर है इसका क्या है ये, इसका मान किससे बड़ा होगा, 2 से बड़ा होगा। जल्दी बोलिए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पॉसिबल या नॉट पॉसिबल, तो क्या लिखेंगे हम नो सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे समझ में आ गया बात कि नहीं आ गया। यही चैप से टिपिकल क्वेश्चन सब ऐसे ही बनाना है, ये नहीं कि डायरेक्ट हम लोग लिए क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, टिपिकली टाइप से चलेंगे। ओके चलिए इससे बाद अगले दिन हम लोग नई टॉपिक के साथ आएंगे।